जल्दी आओ ना 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 पाकिस्तान रेलवे ही है ना, यही गाड़ी थी ना पाकिस्तान रेलवे। नानो गाड़ी चली गई है। गाड़ी चली गई टिकटॉक पे, मैं देखता नहीं ना, तो मैं तो कपड़ा साहब को देख तो मेरी यहां से पहना छोड़ के चली गई ना, तो मां पे तो मेरी आंखा सामने नहीं पहना नहीं आंखा सामने मरे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। गाइस तकरीबन ना रात से इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी उड़ रही है हवा के साथ साथ, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो अभी ये सीन है कि ना मैं साउथ के पास जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने नानू को छोड़ने जाना था फैसलाबाद। साउथ को मैंने कहा भी था कि मेरे पास 10:30 बजे आ जाना, और अभी 11 बज रहे हैं और भाईजान का कुछ पता ही नहीं है। व्हाट्सअप बंद किया हुआ है, नंबर ऑफ किया हुआ है, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह खैर करे, अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैंने सोचा मैं उसके पास जाऊँ, वहीं पे जाके उसे उठाता हूँ। यार पता नहीं क्या हो गया, तकरीबन आधे घंटे से मैं इसका गेट खटका रहा हूँ और ना कोई आ भी नहीं रहा। ये क्या पूरी बिल्डिंग ही लग रहा सो रही है, कोई भी नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे। बट मैं इसके नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, इसका नंबर भी बंद जा रहा है, व्हाट्सअप वो भी बंद है, हर जगह बंद है भाई। वरना ये सुबह सुबह टिकटॉक पे या कहीं ना ऑन हुआ हो हुआ हुआ होता है, और अभी तक ये ऑफ है। अल्लाह खैर करे, अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अपने घर वापस आया हूँ और मैंने अपने पोतों पे नज़र डाली है। ये देखो, कल मैंने बताया ना रात से इतनी तेज़ हवा चल रही है, मोहल्ले की सारी जो है ना थैलियाँ उड़ के सारी इधर आके जमा हो चुकी हैं, और वो जो मेरा पौधा है ना वो भी थोड़ा सा टूट गया है। मैं बताया ना रात से इतनी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, उसका भी कुछ पता नहीं यार। 20 minutes later अभी ना मैं वापस साउथ के घर के बाहर आया हूँ, क्योंकि यार हमने ना 12 बजे यहाँ से निकलना था और सिर्फ 12 बजने के ना 10 मिनट रह गए, क्योंकि वहाँ पे 1:30 बजे की टाइमिंग है और ना रास्ते के ना इतना ट्रैफिक होता है, अक्सर हम ना लेट हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से। पिछली बार भी जब हम नानू को छोड़ने गए थे ना, बस हम पहुँचे ही थे तो ट्रेन आ चुकी थी, बस जाने वाली थी। खैर वक्त तो चले गए थे, आज लेट ना हो जाए, इस वजह से मैं अभी साउथ के पास वापस आया हूँ। अभी देखते हैं यार उठ गया हो, अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? ठीक है आप? उठ गए तुम? ये भी उठा हूँ। कहाँ से भाई? सुबह में आया हूँ, अभी दूसरा चक्कर है मेरा। कब आए थे आप? मैं सुबह का टाइम आया, तुम्हारे गेट खटका है, तेरा व्हाट्सएप भी बंद है, ना तुम नंबर पे कॉल उठा रहे हो। हाँ खैर यार, बताया था ना नानू को लेने जाना है, छोड़ने जाना है। हाँ छोड़ने जाना है, नानू आज जा रही है छोड़ने जाना है, तो इसके लिए मैंने कहा ऑटो कराने चलते हैं। अभी बस 10 मिनट रह गए, 12 बजे निकलना था हमने, चल चलें। गाइस रक्षा भी ले लिया, बस अभी नानो को बुला लें। नानो नानो रक्षा आ गया, रक्षा बाहर खड़ा हुआ है। नानो आपको एक ये है और एक वो है, ये भी है। साहु जी उसमें रखना जरा, ठीक है। ये यार कंबल वगैरह में सर्दी होगी ना। और कौन सा थैला है? जी नानू आ जाओ। नानू कुछ बोल तो नहीं रही आप? जब हम पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, नानू को जैसे छोड़ने हैं, जैसे प्लेटफॉर्म की टिकट लेनी है, टिकट लेनी है, प्लेटफॉर्म टिकट लेके हम अंदर चलते हैं। देगा कौन? देगा सामान वगैरह पकड़ा, यहाँ से मिलेगी टिकट? वीडियो बनाने प्लेटफॉर्म की टिकट कहाँ से मिलेगी? वहाँ से कह रहे
प्लेट भी ना, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रेलवे पर, और ये पाकिस्तान रेलवे आज दूसरी बार टाइम पे आई हुई है। बालों की तो रेड लग चुकी है, नानो भी आ रही है पीछे पीछे। नानो आ जाओ नानो, पाकिस्तान रेलवे ही थी ना, पाकिस्तान रेलवे ही है ना, यही गाड़ी थी ना पाकिस्तान रेलवे। कौन सा डब्बा, कौन सा 9 नंबर डब्बा है? 9 नंबर डब्बा, ये कौन सा डब्बा है? ये 11 है, पता नहीं। यहाँ 11 है, 11 है ना, जल्दी चल यार, लेट ही ना हो जाए, लेट ना हो जाए यार। नानो नानो तो उठा लेता है ना। अरे हाँ मुझे पता ही नहीं, आ जाओ नानो, ये मेरे को दे दो, आ जाओ। हेलो भाई आओ। अबे ऐसा ना गलत वाली जगह पे बैठा दें। टिकट पे क्या लिखा हुआ है? टिकट पे तो यही लिखा हुआ है 9 नंबर डब्बा है और 32 नंबर वो है सीट। अच्छा थोड़ी नानो कुछ लेना है, पूरा सामान, जूस वगैरह, कुछ बिस्कुट, कुछ तो ले लो। अब यार चलना चाहे जल्दी, जल्दी आओ नाना, आओ नाना, जल्दी करो। क्यों नहीं बैठ रहा कोई? अरे मैं नानो के साथ आ रहा हूँ यार। तुम अबे हम आगे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? 9 नंबर का है, 9 नंबर पे जाना है ना। किसी कुली से पूछ लो ना, वो 48 है, वो 49 है, पुलिस से पूछ लो किसी। यार ये 9 नंबर डब्बा कहाँ पड़ेगा? 9 नंबर डब्बा उस साइड लोग बैठ तो नहीं गाड़ी में, लोग बैठ तो नहीं है, बैठने क्यों नहीं लोग गाड़ी में? एंजॉय कर रहे। चलो चलो लेट हो रहे, बालों की भी रेड लगी हुई है। चल यार जल्दी कर, चलो जल्दी जल्दी। अंकल से पूछ, अंकल कौन सी पाकिस्तान, कौन सी आएगी वो देख, ये कौन सी है? इलामा इकबाल है, अभी नहीं आई पाकिस्तान जी। 9 नंबर डब्बा है, 9 नंबर चेक करो सीन। तो यार हमें लगा कि ये पाकिस्तान रेलवे, पर ये पाकिस्तान रेलवे नहीं थी, इलामा इकबाल थी। इलामा इकबाल यानी कि अभी तक गाड़ी नहीं आई, लगे यार का टाइम था 6 बजे का टाइम। नानो को हम पीछे छोड़ रहे हैं, नानो ये वाली आपकी नहीं है, अगली वाली आपकी, ये सिर्फ फालतू है। हाँ उस साइड डब्बा है, वो ही ना, वो कह रहे 9 नंबर डब्बा उस साइड पड़ेगा, वहाँ जाके हमें बैठना पड़ेगा। नानो आप ऐसा करो, आप यहीं पे बैठो, हम ना वहाँ से चीज़ें पूछ कर आते कि गाड़ी इस साइड लगेगी या उसके उस साइड लगेगी। प्लेटफॉर्म यहाँ, चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम, अरे ये पाकिस्तान एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? इस पे आएगी, एक पे ये वाले, एक एक पर आएगी, यहीं आएगी ना। हाँ एक प्लेट, इन्होंने बोले एक प्लेटफॉर्म पे आएगी, चल सही। तो यार अभी हमें पता चल चुका है एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बात सुन सौ, मैं कह रहा हूँ नानो के साथ मजाक करते हैं, वो बोलते हैं नानो वो ट्रेन तो कब की चली जाए। हाँ बोले, हाँ देखते सही बात है। चलो यार चलते हैं, नानो परेशान ना हो जाए फुल। नानो गाड़ी चली गई है, गाड़ी चली गई, चली गई। हाँ हाँ टाइम फिर करो जिस टाइम पे आए, वो कह रहे हैं 12 बजे की टाइमिंग थी, शायद लिखने में गलती हो गई, गाड़ी गई। हाँ, गाड़ी गई, गाड़ी गई हो ना, सारे पाकिस्तान में तो बेईमानी हो रही है, चलो फिर चले, चलो चलो अब क्या करें, घर चलते हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़ा बैठ जाते हैं, चले तेरे उठा सामान और क्या। तो यार नानो आपके साथ मजाक हुआ छोटा सा, नानो जो उन्होंने टाइमिंग लिखा उसी पे ही आएगी, इसके अलावा टाइमिंग पे आएगी, वैसे ही आएगी। आप बेटा आप क्या समझेगी, सच में हम सीरियस हो गए? हाँ 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 ध्यान से काम करना, सऊद रहते हैं सब ध्यान से काम करना। नानो किसके ऊपर काम करना है? यही ऊपर कमरे में जरा काम कर रहे हो, अच्छा ब्लॉगिंग का, अल्लाह कामयाबी दे इंशाल्लाह। आपकी दुआएं, जब फिर आपकी शादियां करेंगे, बच्चे मतलब पैसा कमाओ, शादियां करेंगे।
नहीं नानो, पहले शादी है पहले, फिर पैसे कमाएंगे। अब बाल बच्चे का तो खुआना शादी तो बाद कारोबार। नानो राइट कर देते हैं। नानो राइट है भाई। नानो बस दुआएं दिया करो आप हमें। अच्छा नानो ये बताओ आपको दुआ देने वाली वीडियो कैसी लगती है? दुआ और जो दुआ देने वाली हम वीडियो पर आती है वो कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत जाना वाली बहुत अच्छी लगती है। पापा और ये जो लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं इनको आप क्या बोलोगी? ये जलते हैं तो जलते रहेंगे, ये जलते तो जलते रहेंगे, जलते ही रहेंगे। जो जलते वाले ना उनको उसका हो ये सड़ते हैं ना उनके हो भी नसीब सड़ जाएंगे। बिल्कुल नानो। और नानो हमारी उस दुआ जाने वाली वीडियो को 1,00,000 लोगों ने देखा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडिया से भी देखा है? अल्लाह तो कामयाबी दे दे। नानो वो वीडियो इंडिया तक गई है? इंडिया तक, इंडिया तक, इंडिया तक। हाँ। तकरीबन अभी 1.5 लाख मिलियन तक तो जाएगी। मिलियन तक बेटा अपनी ना तुम्हारी कोशिश है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम ना कमजोर नहीं होना काम करने लग गया जो आपकी दुआएं तो फिर। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह मेरिया दुआएं इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी दे। और नानो जो लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं ऊपर लेके जा रहे हैं उनको क्या बोलोगे? उनको बोलेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी अल्लाह तकिया दे, आपके बच्चों को भी अल्लाह ज्यादा ज्यादा इलम दे और अल्लाह खुश रखे हमेशा। सब कुछ खाना भी नहीं यार, कुछ भी नहीं खाना। नानो नानो आपने कुछ खाने? नहीं बेटा मैं कुछ नहीं खाना, मैं खा पी के। हम लोगों ने तो कर लिया था, तूने नाश्ता किया? हाँ किया। हाँ देखो मैं खा के आई। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 1:06 मिनट है बस, 1:30 का टाइम है बस। 25-20 मिनट रह गए। क्या क्या देखते हो? मोबाइल कौन सा है? तो मैंने तो मोबाइल तो दुकान वाले को पकड़ा है, जब से मैं लाहौर से आया था घर से लेके आया था। किधर रहते थे वो आप? किधर रहते हो? लाहौर में? लाहौर में मैं रहता हूँ बदामी बाग। अभी मैं कराची में एक बार ही सोच लेता हूँ, मेरी उम्र है 12 साल। 12 साल सही। इतना बोलना कहाँ से सीखा? किसने सिखाया इतना बोलना? कैसे आता है? तो गाइस देखिए इतना छोटा सा बच्चा गूगल पे देखता है। कभी क्या निशानी देख रहा ना, कभी टिकटॉक में देखता नहीं ना, तो मैं तो कपड़ का साहब देख, मैं तो गूगल पे वीडियो देखी थी सृष्टि आने का मन रबू का, तेरा रब कौन है? मैं तो बड़ा कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, ते नमाज भी सीखे ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौम। बहुत अच्छा बच्चा है गाइस। देखिए एक बात बताओ, घर पे तुम किसके साथ रहते थे? घर में तो मैं अकेला रहता था ना, तो मैंने तो सारा सामान बेच दिया। तुम अकेले रहते थे, तुम्हारे साथ और कोई नहीं था? तो नहीं, तो मेरी तो पैना छोड़ के चले गई थी ना, तो माँ पे तो मेरी अखा सामने नहीं, पैना दी अखा सामने मरे। जो तो मैं छोटा थी कार दे पतीली ते लैपटॉप ते मैं सारा कुछ बेच के थोड़े जो पैसे मैं आस्ता आस्ता करके बेच के मैं कराची आ गया। पता नहीं ना तो कहते शनाती कार्ड लिया किसी का, तो कहते ने तो कोई हवाला करा ते सामान ते कहते कैसे सोचा कि तुम मांगोगे? तुम अकेले होते, तुम्हारे साथ कोई टीम वगैरह है? तो मेरा तो इतने कोई दोस्त ही नहीं ना, तो मैं कल्ला कमाना कि सब गुल्ला छाता दे जाके मां को पे छोड़ देना। इधर सोते हो? हाँ। खाना पीना हो जाता दिन का? तो कोई जमाना भी नहीं, तो खा लेना। कोई बोलना किसने सिखाया? तो बोलना देना ने सिखाया ना। नहीं इस तरीके से ही तुम बहुत एक मुंसरित अंदाज से बोलते हो, बहुत अलग सा बोल रहे हो। हाँ कुछ बच्चे देखे हैं ज्यादा बोलते नहीं है, शर्माते हैं। तुम शर्माते नहीं? बच्चा पहली दफा देखा है मैंने तो एक बार 5,000 रुपया भी दिया।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 5000 ਦੇ ਦੋ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਬਦੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਲੋਕ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਹਾਇਆ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਜਰ ਦੁਆ ਅਸਰ ਮਤਿ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ये भी अच्छी बात है, इसको दीनी तालीम भी आती है। मैं दीनी तालीम भी आती है इसको, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे को सब कुछ आता है, सब पूरी आपको स्टोरी अपनी बताती है। जैन वाला बच्चे, सही बात है, बच्चा समझदार है, बहुत अच्छा बच्चा है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इस राह पे। जाओ तुम जो है ना, किसी भी तरीके से पढ़ो, पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखो, पढ़ने लिखने की उम्र है। छह क्लास पढ़ी है, सिक्स। ये भाई तभी आते हैं लड़कियों की थोड़ी इंग्लिश। जब से मैंने बाकी है तो मैंने सामान बेच के चला दी यार। अगर हम तो मर गए, हाल हो गए। अब ये नहीं है, ये ले मैं तो लाहौर का हूं। लाहौर ये भी लाहौर से हैं। मैं तो सब्जी मंडी बदामी बाग है ना, नो सब्जी मंडी बदामी बाग। अच्छा सही बोल रहे हैं। हां हां हां, ओए हमारी गाड़ी तो नहीं आ गई, मन पे आएगी ना। कुली से पूछा था मैंने, उससे बोला प्लेटफॉर्म पे। उनको यकीन नहीं किया कभी पे कुली पर। हर साल दुनिया बढ़ती है। भाई अंकल किस वाली पे? भैया आप किस में जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन है आप? सर हमारा थोड़ा सामान मिलती है पाकिस्तान रेलवे एक्सप्रेस। कौन सी? कराची पाकिस्तान एक्सप्रेस। यहीं पे आएगी, यहीं पे आएगी। आजकल के बच्चे बोलते क्रिकेटर, डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनना है तुमने? तो शौक से काम नहीं है कि फैशन वाला। अच्छा। मैं फौजी मनु तो मैं गोली चलाऊं तो ये बिल्कुल। तो मैं चाहता कि ऐसा काम करूं जो मेरे मन में भी हो, मेहनत से दिल लगा के करूं। तभी दिमाग में क्या चीज है वो, अभी अभी से होती है ना। तो मैंने तो मन ना पायलट, पायलट बनना है जहाज का। बस तुम्हें एक एडवाइस है, नशे नहीं करने तुमने। तो मैं तो नशे, हां बुरे लड़कों में नहीं बैठना, नशे नहीं करने, पढ़ने अपने दिल लगा देते। आप थोड़ी बहुत आती है लड़की, जैसे कि ये हो गया हवारी ते थोड़ा थोड़ा जोर जोर करके मनु आ जाए, आ जाती है लड़की। और बताओ अपने बारे में कुछ, और कुछ रह नहीं गया तुम्हारे? और कुछ रह नहीं गया, लड़का तेज है। तो मुझे ये बताओ तुम्हें घर वालों की याद आती है? ते मनु ते आती है ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहनें अब किधर है। वो तो पता नहीं दूर चले गई हैं, कहाँ है, मर गए हैं, क्या कर रहे हैं। और वो जो माँ बाप है वो? तो माँ बाप भी मर गया है, तो मैं तो कभी कभी सोता ना तो अल्लाह मियाँ पाक ने मेरे साथ धोखा किया है। अल्लाह ताला ने कैसे धोखा कर दिया? तो सबके तो माँ बाप है, तो मेरा नहीं है, तो मैं तो दुनिया में अकेला शख्स हूँ ना, तो मैं कैसे अपनी जिंदगी, तो मैंने तो शबे बरात भी नहीं ना किसी के साथ मनाई, मेरा तो ऐसे तो गुजारा नहीं ना होता। तो मैं भी कभी उधर तो कभी उधर, तो आपा तो घर बार है, आपकी तो छत भी है, तो मैं तो किधर रहूँ ना। अगर मैं कल को आपकी जब भाई की उम्र का हो जाऊंगा तो मनु के लोग भी बोलेंगे ना कि तुम सही है, तो ये है तो वो है। बात तो ठीक है, तो बार में कितने कितने दिन ना वो मामा पापा याद नहीं आते? तो कभी कभी आते हैं, तो मनु तो पता ही नहीं ना तो वो कौन है। तुमने अपने अम्मी अबू नहीं देखे? तो मैंने देखे नहीं ना। तुम जब छोटे थे तब वो फोत हो गए थे? हाँ जी, तो ये तो मेरी बहनों ने बताया था ना सब कुछ। हाँ बहनों ने तुम्हें बताया कि तब तुम छोटे थे वो फोत हो गए। हाँ जी। अब आप बहनों के साथ नहीं रहते? नहीं, तो बहनों मेरे घर से चले गई है। तो आपको नहीं लगती वो? मुझे पता ही नहीं वो किधर है, मैंने घर का सामान भी बेच दिया। अच्छा नहीं, पतीली वगैरह चिमटा। तुम्हें वो कुछ बोल के नहीं गई जाते वक्त? तो नहीं, तो छोड़ के नहीं गई, एक दिन बाहर गई है तो वापस आई। कितनी थी है? कितनी बहनें थी? दो बहन, दोनों गई वापस ही नहीं आई। कितनी बड़ी बहन, तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि वो भाग गई? तो वो तो मुंडे के साथ गई थी ना बाइक पे। वो मुंडा भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। अच्छा, तो तुम अकेले वहाँ से पंच फैसलाबाद से इधर आ गए? नहीं, मैं लाहौर से आया ना बदामी बाग। अकेले यहाँ पे आ गए? मैं अकेला आ गया, मैंने कहा कराची चलता हूँ उधर रह लूंगा। तो तुमने वहीं पे रहने का क्यों नहीं सोचा, इधर क्यों आए?
पहले मैं 2-3 महीने उधर भी रहा ना दाता दरबार। अच्छा, फिर मैंने कहा कराची चले जाओ, तो फिर मैं कराची आ गई। तो आपको रेलवे वाले जाने देते थे? तो मैं तो कहती हूँ मैं लाहौर चले जो रेलवे वाले कहते नहीं। आप पूछ के नहीं चलो ना, आप ऐसे कर लो। तो ऐसे चलूंगा तो खुदा ना खासा पकड़ नहीं। नहीं आपको गुस्से में नहीं। तो जब मैं आ रहा था टिकट भी नहीं देते शनाख्ती कार्ड के बगैर, है ना? तो फिर इधर जब तुम आ रहे थे तो तुम्हें टिकट किसने लेके दी? तो जब मैं आ रहा था मैं तो वैसे ही चढ़ा था, तो टीटी भी आया, उसने बोला छलांग लगा, हैदराबाद में रात का टाइम, तो पता नहीं था मनु तो कहता छलांग लगाओ तू, और मैं फिर वो सारे कहने लग गए कि ये बच्चा छोटा चलो छाप छोड़ दो। तो फिर उसने मनु एक थप्पड़ लगाया, मैं रोने लग गया बैठ के। तो फिर मनु लड़का ने चुप कराया ना, कहते चुप हो जाओ। तो तुम अभी ऐसे वापिस भी तो जा सकते? तो ऐसे तो अभी तो खतरा होता है ना कि अभी उसने बोला छलांग लगाओ, अभी जाऊंगा तो कोई कोई लोग नहीं ना भी रोकते वो, मैं तो मुझे तो मारनी पड़नी है। अभी तुम आगे का क्या सोचते हो? आगे का मैं सोच रही इधर पैसे जोड़ के, अगर मेरे पास अगर कोई 2-3 5,000 मैं लोगों से लेऊंगा इकट्ठे तो करके, नहा तो के अपनी अच्छी शूज लेके कपड़े डाल के अच्छा मच्छा मान के। जो हमारी वीडियो देख के आएंगे तुम्हारे, तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारी कौन सी मदद करें? क्या मसला? हमारी जो वीडियो यूट्यूब चलाते हो ना, हमारी वीडियो आती है यूट्यूब पर, अब हमारी वीडियो देख के अगर तुमसे कोई यहाँ पे आए तुम्हारी हेल्प करना चाहे तो तुम उन्हें क्या बोलोगे? तुम क्या बोलना चाहोगे, क्या मदद, किस टाइप की मदद करें तुम्हारी? कि किस टाइप पे मुझे टिकट ले दे, मुझे मेरे कपड़े ले दे लिबास, और मैं जाऊँ और उधर मैं यहाँ तो इधर ही सरकारी स्कूल को डाल दे, तो मेरी कुछ मदद। पढ़ने का शौक है? शौक है भी तुम्हें पढ़ने का? तो मुझे तो पढ़ने का शौक है ना, तो कोई तो अल्लाह का बंदा आ जाए मदद करने के लिए, तो मैं तो हर रोज इधर आता हूँ, तो कोई तो आ जाएगा तो मेरी मदद कर लेगा। कुछ नहीं तो कम से कम जॉब पे ही रख ले, है ना? जॉब पे रख ले, बाकी खुद ही काम अपना चलाता रहेगा। वो कोई वीडियो देखे तो आ जाए ना, मैं इधर होता हूँ सुबह से, सुबह 10-11 बजे आता हूँ मैं इधर, और शाम में 3-4 बजे चले जाता इधर। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है अगर आप आएंगे हेल्प वगैरह करने लड़के की। यही अगर कोई आएगा तुम्हें कैसे पहचानेगा, ये तो काफी इतनी रश है यहाँ पे। हाँ ज्यादा तो कहाँ पे होते, जगह होते हो? एक नंबर पे होते हो, दो पे, तीन पे? मैं यहाँ तो मैं उधर उधर नहीं जाता, 7 नंबर 4 नंबर उधर, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 2 पे 3 बस इधर ही होता। इनकी बात सुनी, क्या नाम बताया अपना? अली शेख। अली शेख है, यहीं पे 1 नंबर 2 या 3 नंबर पे होता है, अगर कोई इसकी हेल्प करना चाहे तो यहाँ पे आके इसकी हेल्प कर ले। बाकी जो इसकी कहानी वो इसने आपको खुद ही अपनी पूरी सुना दी। नहीं ना, तो बस वो आ गया, वो देखो ये डब्बा नंबर 9 है। नहीं डब्बा नंबर तो है, वो सीट नंबर 32 है, ये 8 जा रहे ना आगे, वो 9, वो आ गया 9। नानो आ जाओ नीचे, आ गया ये जा रहे, इसके साथ साथ चलते हैं। हमने ना नानो को बिठा दिया, ज्यादा रश थी, हमने सोचा बैठ के बात बात करेंगे, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए, लेडीज बहुत ज्यादा थी, फुल डब्बा भरा हुआ था। अब अल्लाह ताला खैरियत से उनको उनकी इंशाल्लाह जिंदा बचा दे। जितनी दुआ हो सकती करनी है, नानो खैर खैरियत से पहुंच जाए हमारी, उधर जाके कॉल करेंगे। उस साइड से जाके देखिए नानो को, आज ऊपर से जाएगा रास्ता। हाँ इधर से, इधर फिर हम दूसरी साइड आए हैं और वो नानो बैठी हुई है। तो अभी नानो को हमने इतने बुलाने की कोशिश की, नानो नोटिस ही नहीं किया, अभी किसी और के जरिए हमने नानो को बुलाया, फिर नानो ने जाके देखा है हमें। और गाइस इस बार मैंने भी जाना था लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, तो इस बार मैं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह मैं अगली बार ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह। और यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, मुँह आप देख रहे कितनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी मिट्टी और हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। कभी हम भी प्लान बनाएंगे जाने का गाँव में असद। और मैं जब से छोटा हूँ ना तब से मैं आज तक मैं नहीं कहीं पर भी नहीं गया है, मुझे 4 साल हो गए मैं नहीं गाँव अपने गया, वरना पहले हर साल जाता था। मुझे भी शौक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का, बहुत जगह घूमने का, पर आज तक नहीं गया। 3 बजे का टाइम है और ये यानी कि आधा घंटा रुकी है और गाड़ी चल पड़ी है। और नानो की बहुत याद आ रही है, नानो को भी छोड़ दिया और गाड़ी भी चल पड़ी। इसको देख, ये कौन पागल तो नहीं, पागल तो नहीं, पागल तो नहीं, क्या हो गया बच्चे को? मेरे से आज के चिपक गया। खैर गाइस हमने नानो को भी छोड़ दिया है, ट्रेन भी चली गई है, और जो हमने टिकटॉक वगैरह वीडियो बनानी थी वो भी बना ली है, वो भी बना ली है। बस अभी भूख भी लग रही है, भूख बहुत लग रही है, अभी सोच रहे कुछ हाल है हम आगे से कोई दुकान मिलती है तो। बस अभी कुछ खाते हैं और फिर सीधा घर चलते हैं। हम नानू को छोड़ के आ चुके हैं कैंट स्टेशन से घर, अभी हम घर पे चलते हैं सीधा। सर ये देखें क्यारी कितनी गंदी हुई है, रात को हवा चली थी, अभी देखें
कितना कचरा हो गया, इसको भी साफ करें असद भाई। हाँ ना यार, रात कितना इतनी हवा चल रही थी, पूरे मोहल्ले की जो गंदगी है ना इधर घुस कर आ गई है। हाँ पूरे मोहल्ले। और ये देखना, ये भी किसी ने तोड़ दिया है। अरे ये देख, ये कुत्तों से बचाने के लिए हमने रखा था, ये भी सारे तोड़ दिए, टूट गया। मैं निकाल, अंदर घुसते हैं इसको निकालते हैं। कचरा बहुत है यार, उड़ के आए ना, बहुत तेज हवा चली थी यार, बहुत तेज, हम तो परेशान हो गए, इतनी मिट्टी हो गई घर में। बारिश हुई थी क्या? बारिश नहीं हुई थी शायद। तो ये गीला क्या ऊपर से गिर रहे हैं? गीला ऊपर से पता नहीं किसने कपड़े रखे होंगे, वो नीचे गिर रहा होगा। इसको भी सफाई करवानी हो ना हमने क्यारी की, इसको भी हमने क्यारी की सफाई करवानी हो। असद भाई हैं, कॉन्टेक्ट लिख लें 03-172-56-64-85, इनका नंबर है। जितने जिसको भी नंबर वो करवानी हो, क्या बोलते हैं सफाई, तो ये आ जाएंगे, झाड़ू वाड़ू भी अपना लाएंगे, पोछी भी लाएंगे। पूरे अल्फाज बोला करो भाई। क्या पूरे अल्फाज बोला करो? मतलब ये क्या होता है जिसको भी करवानी हो? अरे सफाई करवानी हो या ये देखो ऊपर से परौंठा फेंका है इन्होंने, इतनी बेहरमती रिस्क की दिखाएं। अभी इसको रखते हैं अच्छी जगह, भाई को दे देते हैं। चलो भाई और सफाई करते हैं, मैं भी थोड़ा हाथ वाथ लगवा लूँ सफाई में। नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच्ची, मतलब मेरे हाथ बच गए हैं अच्छे, है ना? क्या करूँ, इनको पानी दे दूँ? मैंने कल दिया था। पानी नहीं दिया इनको कल मैंने? प्यासा रखते हो तुम? अभी कल दिया था। कल दिया था, कितनी गलत बात है, तुम प्यासा रखते हो पौधों को, बदवा लगी उनकी। ये ले, ये भी उसको दे दे। चला गया। ये देखना ये नीचे गिरी हुई, ये भी उठा दे। चला गया। ये दो टुकड़े और हैं, ये भी उठा के दे दे। यार इसने बेहरमती की है यार इसकी। यार भागते हुए चलते भाई के पास। चलो यार भाई। अच्छा भाई, वेरी गुड, सवाब कमाओ। वेरी गुड यार, आज जो है ना थोड़ा उदास भी हूँ मैं, क्योंकि वो जो बच्चे को देखा था ना रेलवे पे हमने, उसकी वजह से उदास हूँ। बेचारे इतनी हार्ड लाइफ है, कैसे वो गुजारा कर रहा हो, कैसे खाता पीता, कहाँ सोता होगा, तो उसके लिए अगर आप हेल्प करना चाहें तो वहीं पे होता है। अगर हमारे जरिए भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर भाई अफसोस हो रहा है ना उसका? हाँ मैं तो हैरान हूँ, क्या कितनी मुश्किल ज़िंदगी है ना। बिल्कुल, ऐसी लाइफ भी किसी की होती है, अगर आपके पास रहने को छत भी है तब भी आप शुक्र अदा करें। कुछ लोगों के पास इतना है कि वो जितना मर्जी उड़ा लें कम नहीं होता। कम नहीं होता। और कुछ लोगों के पास है ही नहीं, जो जरूरत का नहीं आने की, जरूरत तक का नहीं, आने तक का नहीं होता। पौधों को पानी भी दे दिया है और ये सारा कचरा उठा के यहाँ बाहर फेंक दिया है। साउथ भी चलेगा क्योंकि उसके घर से कॉल आ गई थी। तो इस तरह से आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।